सीपी जोशी की नियुक्ति आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जारी इस पत्र से निकलता हुआ यह सवाल सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के जानकारों तक के बीच में चर्चा का विषय है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन किसके लिए? अगर आप सियासत को समझते हैं और आपको इस सवाल की गहराई का एहसास होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। सीपी जोशी के चुनाव के चंद महीनों पहले हुई नियुक्ति बता रही है कि अभी और पत्ते खुलना बाकी हैं। यह तो सिर्फ एक झांकी है। जी हाँ, अब जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सीपी जोशी चेहरा नहीं बल्कि किसी के लिए सारथी बनाए गए हैं। यानी प्रदेश बीजेपी में छिड़ी महाभारत में युद्ध किसके नाम पर लड़ा जाएगा यह तय होना बाकी है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह, सतीश पूनिया, सभी को लेकर भाजपा आलाकमान सतर्क है। राजस्थान वो राज्य है जहां प्रदेश के नेता आंखें तर्राते रहते हैं। ऐसे में राजस्थान में मोदी शाह नड्डा की जोड़ी कुछ नया करने वाली है। इसकी तस्दीक होती है इस फोटो से, जिसमें राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए लॉन्चिंग होती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सीपी जोशी ने भगवान परशुराम का पोस्टर विमोचन यूं ही अश्विनी वैष्णव से नहीं करवाया था। जरा देखिए इस तस्वीर में, ब्राह्मण सम्मेलन में अश्विनी वैष्णव ने अपने जिस शैली में भाषण दिया वो भी देखिए। भाइयों, अश्विनी भाई बोलना सिर्फ अश्विनी भाई। मैं साथियों दो तीन छोटी छोटी बातें करूंगा। आप में से कितने लोग राजस्थान के हैं? इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, इस प्रदेश को रेलवे के लिए बड़ा अनुदान मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, जो आज से दस साल पहले केवल 600 करोड़ मिलता था, आज आपको राजस्थान को 9532 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। 9532 करोड़। इस बड़े अनुदान को भगवान श्री परशुराम को समर्पित करते हैं। बोलो मेरे साथ, चिरंजीवी भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की। साथियों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, राजस्थान में 82 स्टेशनों का वर्ल्ड क्लास निर्माण किया जाएगा। तो मित्रों, यह चर्चा है सीपी जोशी की। अगले 6 महीनों में पूरी फील्डिंग करेंगे ताकि अश्विनी वैष्णव का नाम भी आगे बढ़ता रहे। राजपूत तबके को रिझाने गजेंद्र सिंह शेखावत, ब्राह्मण वोटों के लिए अश्विनी वैष्णव, जाट वोटों को रिझाने के लिए किसी न किसी को आगे किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में पूरी नई लीडरशिप खड़ी करने की योजना पर काम करती दिख रही है। ऐसे में सतीश पूनिया समर्थक क्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा से ज्यादा ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अगले कदमों पर रहेगी। फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।